हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा, विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। लास्ट वीडियो में क्लास टेंथ में हमने चैप्टर सेकंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किया था। अभी लास्ट पार्ट बचा है तो इस वीडियो में उसे देखते हैं। यस देखिए आप, यस देखिए, यस लास्ट पार्ट है। कहियो लखन मुन सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण यहाँ पर परशुराम से? कहे वो लखन मुन सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता है? तुम्हारे इस कठोर स्वभाव तो संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता हे उरय भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि आप तो पहले ही माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, अब गुरु के ऋण के विषय में सोच रहे हो। सो जन हमारे माथे काड़ा, उसे भी तुमने किसके ऊपर डाल दिया है? गुरु के ऋण से आप उऋण नहीं हुए तो उसका दोष भी आपने हमारे ऊपर डाल दिया है। दिन चल गए ब्याज बड़े बाड़ा, अब गुरु के ऋण से आप उऋण नहीं हुए हैं तो दिन पर दिन उस ऋण की ब्याज बढ़ती ही जाएगी। अब आनी व्यवहार या बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अतः आपको अपने गुरु के ऋण से उऋण होना है तो आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए और फिर मैं अपनी थैली खोल देता हूँ, जिससे आप अपने गुरु के ऋण से उऋण हो सकें। शून्य कट वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही परशुराम ने फरसे को अपने हाथ में लिया, सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचो नृप द्रोही। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण ने कहा है कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार अपना फरसा क्यों दिखा रहे हो? मैंने तो आपको क्यों छोड़ दिया है? हे राजाओं के शत्रु, मैंने तो केवल आपको ब्राह्मण समझकर ही छोड़ दिया है। मिले न कबों सुभट रण गाढ़े, शायद आपको कभी रणभूमि में श्रेष्ठ योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता धरई के बाड़े, आप तो केवल कहाँ के विजय वीर हैं, केवल घर के ही विजेता हैं, देवता हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे, लक्ष्मण के ऐसे अनुचित वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग पुकारने लगे। रघुपति सयन ही लखनो निवारे, और तब भगवान राम के इशारे से उन्हें चुप कराया गया। यस दोहा देखिए। लखन उतर आहुत सरस, भृगुबर कोप क्रसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। यस देखिए, यहाँ लक्ष्मण के आहुति समान उत्तर से परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को देखकर भगवान राम ने शीतल जल के समान शांत वचन कहे। लक्ष्मण ने कैसा उत्तर दिया? जैसे आहुति डालते हैं, किसमें आहुति डालते हैं, हवन होता है तब, ऐसे उत्तर सुनकर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि बढ़ गई, और क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल नंदन भगवान राम ने कैसे वचन कहे? शीतल जल रूपी शांत वचन कहे। यस देखिए बेटा, आज ये चैप्टर आपका लास्ट हो गया। इस वीडियो में सारे अर्थ बता दिए मैंने चौपाई और दोहे के। सो आपको ये लर्न करने हैं, आप लिख सकें तो लिख भी सकते हैं कॉपी में। ओके, आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए इसके, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कर लिए हैं तो लर्न कर लीजिए। ओके, कमेंट भी करिए मुझे आपको कैसा लगा है। ओके, सो बाय बेटा, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।